कनाडा में ऊबर का काम कैसे कर सकते हैं, आप ऊबर के ज़रिए कितने पैसे कमा सकते हो और उसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये मेरी वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि वो तमाम के तमाम दोस्त जो कनाडा में न्यू पीआर पे आ रहे हैं या उसके अलावा ओपन वर्क परमिट में मौजूद हैं, आपको कोई ना कोई काम करने को चाहिए, तो उसमें जो बेस्ट आजकल ऑप्शन चल रहा है वो ऊबर का चल रहा है, जिसमें यह है कि आपके पास अगर गाड़ी हो और इंश्योरेंस हो, जो कि मोस्टली लोगों के पास होती है, तो आप ऊबर का काम कर सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऊबर के जो काम है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उस पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ है वो है आपकी गाड़ी की इंफॉर्मेशन। कुछ लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं ऊबर के साथ, जब आप सबसे पहले एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको वो फिल आउट करने होते हैं, उनको आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद वो आपसे गाड़ी की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, साथ में ही वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, साथ में वो जो गाड़ी है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वेदर आपने अगर फाइनेंस करवाई हुई है, लीज पे ली हुई है या परचेज़ की हुई है, जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की वो मांगते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंश्योरेंस, गाड़ी में यहाँ पे इंश्योरेंस होती है तो इंश्योरेंस के आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, और उसके बाद आपके लिए प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी टू वर्क कि आपका यहाँ पे क्या स्टेटस है जिस पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप कनेडियन सिटीजन हैं तो आप पासपोर्ट अटैच करते हैं, अगर आप पीआर हैं तो आप पीआर कार्ड अटैच करते हैं, अगर आप वर्क परमिट पर हैं तो आप अपना वर्क परमिट अटैच करते हैं, और ये प्रूफ ऑफ वर्क एलिजिबिलिटी में आ जाता है। इसके बाद जो अगली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जो गाड़ी है उसकी इंस्पेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये है कि 40,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आपको इंस्पेक्शन करनी पड़ती है और उसका एक पेपर इशू होता है, वो आप जो है वो सबमिट करवाते हैं। इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपना एक फ़ोटो अटैच करना होता है जो कि आपका वहाँ पर डिस्प्ले होता है, और इसके साथ ही आपका ऊबर का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप इसमें पैसे कितने कमा सकते हो। मेरे ख्याल में ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो आप अलग कमाओगे, अगर आप 8 hours a day काम कर रहे हो, 12 hours a day काम कर रहे हो, या उसके अलावा 7 days a week काम कर रहे हो, 5 days a week काम कर रहे हो, डिपेंड करता है मैनी फैक्टर्स पे। बट अगर हम एक एवरेज बात करते हैं तो मेरी जहाँ पे कुछ ऊबर ड्राइवर्स के साथ बात हुई तो उन्होंने बताया कि अराउंड $3,000 to $3,500 तक आप मंथली कमा लेते हैं ऑन एवरेज। किसी मंथ आप ज़्यादा कमा लेते हैं, किसी मंथ आप कम कमा लेते हैं, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क हो के किस एरिया में काम कर रहे हैं। लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कौन से लोकेशन में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप डाउन टाउन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको राइड्स ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी भी टाउन एरिया में है जहाँ पे राइड्स कम मिलते हैं। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। इससे रिलेटेड मैं मज़ीद भी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, तो तब तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच।